नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज। साथियों, आज 1 मार्च 2024 और पिपलिया मंडी से जाना है, दोपहर बाद कितनी क्या तेजी मची रही है और क्या कुछ बाजार रहे हैं, पूरा लाइव क्वालिटी के साथ आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। इसलिए किसान मित्रों, आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये अच्छी खबर देखने को मिल रही है क्योंकि किसान मित्रों, आवक कम होने के कारण, क्योंकि जैसा कि पिपलिया मंडी में अभी जो कुछ व्यवस्थाओं के चलते जो नए वाहन के प्रवेश को यहाँ पर बंद कर रखा है, उस कारण से आवक कम देखने को मिली है। और बाजारों की बात करें, सुबह की अपेक्षा अभी बाजारों में जोरदार लेवाली देखने को मिल रही है। उसकी बदल बाजारों की अगर बात करें 200-300 रुपए से लगाकर कुछ मालों की बात करें, जो बढ़िया माल है, सूखे हुए माल है, पके हुए माल है, उनमें 400-500 रुपए तक भी तेज देखने को मिल रही है। ये ज़रूर थोड़ी सी अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। इस बात पर ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी हमारे साथ जो किसान मित्र जुड़े हुए हैं, जी सर, जय जवान, जय किसान। ये लोड आपको दिखाने जा रहा है जो कि काफ़ी बड़ा लोड आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं, जो कि पूरे गड्डी 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन एक और ये लोड भी कहा है। लो भाऊ जी, पकड़ जो पर्ची देगा। और खास बात ये, बिल्कुल सूखा हुआ माल आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी साइज़ की बात करते हैं मित्रों, तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़ी साइज़ इसमें देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, वहीं छोटी साइज़ की बात करते हैं तो इस प्रकार से ये भी इसमें मिक्स देखने को मिल रही है। एक बार मैं हाथ में लेकर आपको दिखा देता हूँ, देशी लहसुन का लोट है जो कि पूरे 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सूखा हुआ माल बिका है। हाँ भाऊ जी, कैसी वैरायटी का माल है यो? ये डबल डॉलर है भाऊ जी। डबल डॉलर कटे को माल है यो? ये जलार का, पीर जलार बंडनगर। कई उत्पादन हुए आपके? ये 12-13 क्विंटल। 12-13 क्विंटल बिका। लहसुन एक और ये लोट आपको दिखाने जा रहा है जो कि 9,300 रुपए प्रति क्विंटल के साथ बिका है। 9,300 रुपए प्रति क्विंटल। साइज की बात करते हैं तो देख सकते हैं इसमें मिक्स देखने को, छर्री मीडियम पुना लड्डू की बात करते हैं तो ये भी इसमें इक्का दुक्का मात्रा मिक्स देखने को मिल रही है। बाकी देख सकते हैं 9,300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊंटी लहसुन का लोट बिका है। व्हाइटनेस अच्छी है और सूखा हुआ माल देखने को मिल जाएगा। कटे को माल है? ये फोटो ले लिया, काजली खेड़ा कटे को, कटे काजली खेड़ा कनगट्टी के पास। ये भी आपको ही है? ये एक और ये फूड माल आपको दिखाने जा रहा है, दातला फूड माल, जैसा कि देख सकते हैं जो कि 6,911 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। जो लहसुन उखाड़ते हैं और उसके बाद जो नीचे रह जाता है उसको वापस से हकाई जुताई करके जो निकाला है वो लोट है जो कि 6,911 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊँटी का बिका है। क्यों भाई साहब, सही बात है ना? सही बात। एक और ये लोट आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि बड़ा सा लोट आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 9,072 रुपए प्रति क्विंटल के साथ बिका है। 9,072 रुपए प्रति क्विंटल। साइज की बात करते हैं, मिक्स देखने को मिलेगी, बड़ी जो साइज है किसान मित्रों, इस प्रकार से ये भी इसमें मिक्स देखने को मिल जाएगी। खास बात है माल सूखा हुआ देखने को मिला, वहीं छोटी साइज की बात करते हैं मित्रों, वो भी इस प्रकार से इसमें मिक्स है, मिक्स साइज है जो कि 9,072 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन का सूखा हुआ लोट बिका है, बड़ा सा लोट है। और ये बाबूजी को माल है। शुभ नाम आपको? पीर जलार। पीर जलार, अच्छा पीर जलार का अच्छा खासा माल आ रहा लंबे समय से। क्या क्या उत्पादन हो रहा पीर जलार में आपके? ये 10 क्विंटल। 10 क्विंटल बिघा का। तो ये लोट आपको दिखाने जा रहा है, सूखा माल है और 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन का लोट बिका है। 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। साइज की बात करते हैं तो ये जो साइज है इस प्रकार से बड़ी साइज में देखने को मिल जाएगी। और खास बात यह है कि माल सूखा देखने को मिल जाएगा जो कि 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। छोटी साइज की बात करते हैं वो भी मिक्स है, मिक्स क्वालिटी है, सूखा माल 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन का लोट बिका है। हाँ भाऊ जी, कटे को माल है? ये कटे बननगर। कैसी वेरायटी है? अमरेटा है। उत्पादन हो रहा अपना रणायता में? उत्पादन तो कम है, 15-20 क्विंटल। कम ही रहा? 15 क्विंटल भी है, 14-15 क्विंटल। अच्छा अच्छा अच्छा, भाव में निपटी रहा है, भाव में निपटी रहा है, सही बात। ये छोटी साइज आपको दिखाने जा रहे हैं, पूरी भूंगी साइज का जो कि 3700 रुपए, 3,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन का ये छोटी साइज का लोट बिका है। 3,700 रुपए प्रति क्विंटल भूंगी साइज का। एक और ये लोट आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 4700 रुपए प्रति क्विंटल के साथ बिका है। पूरी भूंगी हल्की पुल्की चर्री भी देखने को मिल जाएगी, देशी लहसुन का लोट है, सूखा माल है जो कि 4700 रुपए, 4700 रुपए प्रति क्विंटल के साथ बिका है देशी लहसुन। एक और ये लोट आपको दिखाने जा रहे हैं, बड़ा सा लोट आपको देखने को मिल जाए जो कि 7,850 रुपए प्रति क्विंटल के साथ बिका, 7,850 रुपए प्रति क्विंटल। जैसा कि साइज की बात करते हैं, मिक्स देखने को मिलेगी, छर्री है, मीडियम है, मिक्स देखने को मिल जाएगी। माल की बात करते हैं, सूखा माल देखने को मिल जाएगा, बड़ी जो साइज है इस प्रकार से ये मीडियम साइज देखने को मिल जाएगी। 7,850 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन का लोट बिका, सूखा माल। हाँ भाई, कटेगी?
आपको दिखाना जरा बड़ा सा लोड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि 8,101 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 8,101 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। जैसा कि देख सकते हैं साइज की बात करते हैं, मिक्स साइज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें चर्री भी है, मीडियम भी है। किसान मित्रों जैसा कि देख सकते हैं इस प्रकार की ये माल की क्वालिटी है, 8,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन का लोड बिका है, 8,100 रुपए प्रति क्विंटल। हाँ भाऊ जी, कटे को माल है जापला भंडागर उत्पादन जापला में क्या उत्पादन हो रहा है? 15-20। तो ये पुड़ी भूंगी साइज का लोड आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 4,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। जैसा कि देख सकते हैं माल की बात करते हैं, सूखा हुआ माल आपको देखने को मिल जाएगा, साइज देख सकते हैं जो कि 4,800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। और ना भाऊ जी को माल है, भाऊ जी कटे को माल है सनावदा। मोटी वेरायटी का कोई ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 11,401 रुपए प्रति क्विंटल के साथ बिका है, 11,401 रुपए प्रति क्विंटल। साइज की बात करते हैं किसान मित्रों, मिक्स देखने को मिल जाएगा, माल की बात करते हैं सूखा देखने को मिलेगा, बड़ी जो साइज है इस प्रकार से ये मिक्स आपको देखने को मिल जाएगा जो 11,401 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोटी लहसुन का लोड बिका है, 11,400। हाँ जी कटे को माल है यो भी सनावदा। देशी लहसुन एक बार ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 8,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से देशी लहसुन का लोड बिका है। साइज की बात करते हैं, मिक्स देखने को मिलेगा, माल में हल्की फुल्की नमी भी देखने को मिल रही है, बड़ी जो साइज है ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें छर्री मीडियम और पुना लड्डू की बात करते हैं तो ये भी मिक्स देखने को मिल रहा है। देशी लहसुन का लोड है, 8,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये बिका है बड़ा सा लोड। अच्छा मोटी वेरायटी का कोई ये लोड आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि 9,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 9,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। किसान मित्रों जैसे कि देखते हैं साइज की बात करते हैं तो मिक्स साइज देखने को मिल जाएगा, मोटी लहसुन का लोड है ये मिक्स साइज वाला जो कि 9,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है, 9,500 रुपए प्रति क्विंटल। हाँ भाऊ जी कटे को माल है? नलखेड़ा को। वीडियो देखो देखो आप वीडियो रोज देखो, दिन में 10 बार। अरे बात कर दी, 10 बार का देखो, एक बार देख लो, देखो रात नींद उठ जाए तो देखो। कई बात अच्छी की बात बस मन में भाव लगे, मजा भाव बताओ लगे अनुभव। अच्छा बढ़िया लगे जानकारी, आप बने देखो काम हो देखो। अच्छा किसान सब्सक्राइब किया करो। हाँ बोलो, सब किसान सब्सक्राइब कराया करो। 1,200, 10,601, 11,000। लहसुन की कली का ये लोड आपको दिखाने जा रहा है जो 11,500 रुपए प्रति क्विंटल के साथ लहसुन की कली का ये लोड बिका है किसान मित्रों, 11,500 रुपए प्रति क्विंटल। ऊँटी लहसुन एक और ये लोड आपको दिखाने जा रहा है जो 11,652 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊँटी लहसुन का लोड बिका है। साइज की बात करते हैं, मिक्स देखने को मिल रही है, वहीं किसान से सूखा माल देखने को मिल रहा है जो कि 11,652 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ऊँटी लहसुन का लोड बिका है। काफ़ी ज़्यादा किसान मित्रों के कमेंट आ रहे थे कि शनिवार को अवकाश तो नहीं है, तो जो आने वाला शनिवार है 2 मार्च को, किसान साथ ये महीने का पहला शनिवार होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं है। पिपलिया मंडी की बात करते हैं तो पूरी तरीके से चालू है। वहीं किसान साथियों एक बात का भी आप जरूर से ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मंडी प्रशासन ने जो नए वाहन को लेकर एक सूचना पत्र जारी कर रखा है उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि 3 तारीख तक यानी कि रविवार को ही ये नए वाहन को मंडी के अंदर अनुमति देंगे। वहीं किसान साथियों अभी बाहर वाहनों की अगर बात करते हैं 30-35 वाहन के लगभग अभी जो शाम का समय हो रहा है लगभग 5 बजे का अभी बाहर वाहन प्रतीक्षा में है। बाकी हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से लिखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को आपके जो मिलने वाले किसान मित्र है उनमें भी जरूर से शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।